बारहवा भाग हम स्टडी कर रहे हैं और कुछ सवाल मैं आज करूंगा, उस सवालों का आप खुलेआम जवाब देना, जो भी आपका जवाब होगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है केवल आप सुनो मत। मैं प्रचार करते जा रहा हूं, लेकिन वो प्रचार या वो शिक्षा या वो संदेश आपको किधर तक समझ में आ रहा है, आपको समझ में आएगा तो ही आप उसके अनुसार चलना प्रारंभ करोगे। नहीं तो क्या जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, जैसे अन्य जातियों में जब सुबह के भोर के समय वो प्रवचन होता है, वहां पे भजन कीर्तन होता है, लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर से दुनिया में उसी जगह पे चले जाते हैं। लेकिन मसीहत में खुदावन ये नहीं चाहता है कि वो चाहता है कि जो आप सुनते हो, जिसके द्वारा खुदावन ने आपको छुआ है, जिसके द्वारा खुदावन ने आपको प्रोत्साहित किया है, वो बातों के ऊपर आप अमल करने वाले बनो। आमीन। जब आप अमल करने वालों बनोगे तो आप इस संसार के पापी लोगों के भीतर उनके अंधेरे में उजाला का कारण बनोगे। वो संसार के पापी लोग शायद आपके परिवार के लोग भी होंगे, जो खुदा को जानने के बावजूद जिन्होंने इसराइलियों के जैसे झटपट परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया है, जिन्होंने अपनी खुशी के लिए, अपनी मनमानी के लिए, अपने आनंद के लिए परमेश्वर को छोड़ दिया है, उन लोगों के भीतर इस वचन की रोशनी को लेकर आप उनके अंधेरे में उजाले का कारण अगर नहीं बनते हो तो यह प्रचार आपके जीवन के लिए व्यर्थ है। अगर वो प्रचार को लेकर अगर आप उस प्रचार की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हो तो आप और मैं केवल एक जैसे कलाकार होते हैं, उस कलाकार के जैसे बनोगे। खुदावन को कलाकार नहीं चाहिए, खुदावन को ईमानदार चाहिए। आमीन। आज अपने आप को टटोलो, जांचो कि क्या जो प्रचार मैं पिछले 11 एपिसोड से ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा हूं या सुन रहा हूं, जो प्रचार मैंने यहाँ पे बैठ के सुना है, लेकिन मैंने उसमें अभी तक अमल नहीं किया है, ना मैंने अमल किया है, इसीलिए मेरे आसपास के जो लोग है उन्होंने मेरे अंदर से मसीह का उजाला नहीं पाया है। न्याय के समय परमेश्वर इन बातों का भी हमसे न्याय लेगा। तुझे पता था लेकिन तूने बताया क्या, तुझे मिला था लेकिन तेरे द्वारा उसे मिला क्या। तो आइए जिस विषय पर हम मनन अध्ययन करें उसके लिए जो वचन चुना है, इब्रानी की पत्री उसका तीसरा अध्याय और वचन 12 से लेकर 14, हिब्रूस चैप्टर 3 फ्रॉम वर्स 12-14। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे स्टेट्स में भारत के जाकर आया हूँ, राज्यों में जाकर आया हूँ, अलग अलग तरीके के लोगों को देखा हूँ। कभी कभी ऐसे भी अनुभव में आते हैं कि कुछ लोगों को वचन जब छूता है या वचन उन्हें चुभता है तो कुछ लोग उनके जीवन में वो अंगीकार करते हुए अपने गुनाहों को और अपनी गलतियों को कबूल करते हुए एक शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी दिखते हैं कि वो कहती कि ये हमें बना बनाया प्रचार दिया है, हमें टारगेट किया गया है, हमारे लिए ये ताना मारने वाला प्रचार आया है। वे लोग कठोरता के जो लोग है उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि वो ताना मारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको जानना होगा, आपको जांचना होगा कि आपका हृदय कठोर बन गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कड़वा हो या मीठा हो, मसीह से प्रेम करने वाला वचन को अपने कड़वे और मीठे स्वाद से अधिक महत्व देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अगर आपको लगता है कि ये ताना है तो आपको आपके विश्वास की भूमि को जांचना होगा कि ये भूमि कठोर है, सख्त है या मुलायम है। ये भूमि फल देने वाली है, केवल बीज को ले रही है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। बीज तो अंदर आ रहा है लेकिन आउटपुट उस परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपको मुझे इन दिनों में जांचना होगा कितने सारे बीज। हमने कुछ साल पहले विषय के ऊपर अध्ययन किया था और वो विषय था बीज ढीलों के नीचे सड़ रहा है। वो मिट्टी का गोला होता है जिसे ढीला कहा जाता है, जब हल चलता है तो हल उस मिट्टी के ढीले को तोड़कर भूमि में एक समान करता है, तब जाकर
बीज उसके अंदर काम करता है। मेरे ख्याल से योल के किताब से हमने देखा था, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बीज बोए गए हैं, लेकिन उस बीज को फंगस लगा हुआ है, क्योंकि वो बीज जमीन तक नहीं गया है, वो बीज ऊपरी ऊपरी है, क्योंकि ये बीज उस जमीन में आया है, वो जमीन उसके बारे में, वो व्यक्ति उसके बारे में गंभीर ना होने के वजह से उनके जीवन में वो बीज फल नहीं ला रहा है। अब इन दिनों में आपको और मुझे जांचना है, परखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर से एक बार अपनी मनमानी में चले गए हैं और उनको ये यकीन नहीं है, उनको पता नहीं कि यीशु मसीह कभी भी आएगा। बहुत सारे लोग अपनी दशा में पड़े हुए, उसको कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन मुझे आपको बताना है कि जो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए, जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए, अगर आप यहाँ पर हो तो आपका फर्ज बनता है कि आपको जो बताया गया है वो किसी को जाके सिखाओ। अगर आपको जो यहाँ पे सूचित किया गया है, जागरूक किया गया है, आपको जैसे इस वचन की शुरुआत ही कही थी कि चौकस रहो, अगर आपको चौकस किया गया है तो आपका पति होगा, आपकी पत्नी होगी, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, आपके बच्चे होंगे, आपके माँ बाप होंगे, आपके दोस्त होंगे, मौसा मौसी, आपकी फूफी होगी, फूफा होगा, अंकल आंटी होगी, जो शायद चौकस नहीं है। जब आप यहां से सुनते हो तो ये आपका फर्ज है कि उन्हें चौकस किया जाए। अगर आप चौकस नहीं करते हो तो न्याय के समय आपको पूछा जाएगा कि आपने चौकस किया है। नीति वचन कहता है कि उन्हें बंदी बनाकर लिया जा रहा है, भेड़ के नहीं, उन्हें काटने को लेकर जाए। तू ये मत कह कि मुझे पता नहीं, क्योंकि मन और हृदय को जांचने वाला सब कुछ जानता है। कभी कभी हम अपने पूर्ति और कभी कभी केवल फॉर्मेलिटीज बोल के हम फेलोशिप में आते तो ऐसे लोगों का जीवन जिंदगी भर नहीं सुधरेगा। जो फॉर्मेलिटीज को निभाने के लिए फेलोशिप में आते उनका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। जो सच में खुदा से प्रेम करते वो समय से पहले उसकी हुजूरी में आकर उस भूख और प्यास से खुदा की ओर ताकते और कहते, प्रभु आज मुझसे बात कर, भले मेरे लिए कड़वी डांट हो या मुझे उलाना देने वाली बात हो या मुझे प्रोत्साहित करने वाली बात हो, जैसी तेरी मर्जी है तेरे कलाम के द्वारा मेरे जीवन में पूरी हो। आमीन, हालेलुया। अगर इस तरीके से हम फेलोशिप में नहीं आते तो हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और टॉलीवुड के कलाकारों से भी अव्वल दर्जे के कलाकार हैं। लेकिन खुदा उनको कलाकार नहीं चाहिए, फिर से कहना चाहता हूं, खुदा उनको ईमानदार चाहिए, खुदा उनको गायक नहीं चाहिए, खुदा उनको आराधक चाहिए, खुदा उनको वादक नहीं चाहिए, खुदा उनको उपासक चाहिए। फिर वो कैसा भी उसकी ताल, खुदा उन ये चीजें जानता है, और जिनके अंदर ये क्वालिटीज है परमेश्वर उनके लिए कभी भी तैयार है काम करने के लिए। लेकिन आज तक आपके जीवन में जिस ब्लेसिंग के लिए आप तरस रहे हो वो आप तक नहीं आ रही है, इसका मतलब जो आपने अभी तक लिया है, आपने अपने अपने जीवन में बदलाव नहीं किया है, आप चौकस नहीं हुए, इसलिए दूसरे को चौकस नहीं किया है। ये जो वचन हमने पढ़ा है, मैं थोड़ा कहा कि आज सवाल जवाब करूंगा, इस वचन में क्या लगता है परमेश्वर का एक मकसद है, देयर इज अ मोटिव बिहाइंड दिस वर्ड ऑफ गॉड। इन वचनों के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होगा इन वचनों में, चलो फिर से एक बार जोर से पढ़ेंगे ताकि सुनने वाले समझ सके कि इस वचन में खुदावन का एक उद्देश्य है। इब्रानी 3:12-15 हिंदी में भी पढ़िए और दिव्य ब्रदर मराठी में पढ़ेंगे, इसके बाद मराठी भाई वाले मराठी में पढ़ेंगे। पहले जीवंत देवाला सोडून देण्या इतके अविश्वासाचे दुष्ट मन तुमातील कोणाचे असू नये म्हणून जपा। जोपर्यंत आज म्हटलेला वेळ आहे तोपर्यंत तुम्ही एकमेकांना प्रतिदिवशी बोध करा। हेतु हा की पापाच्या फसवणुकीने तुमातील कोणी कठीण होऊ नये, कारण जर आपण आपला आरंभीचा भरवसा शेवटपर्यंत दृढ धरला आपली मने कठीण करू नका। हिंदी में अभी गौर से सुनो, हे भाइयो चौकस रहो कि तुम में ऐसा पूरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो,
ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के जल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। अब ये ओवर ये 12 से 15 वचन, 12, 13, 14, 15, चार वचन है। इन चार वचनों में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर के इन चार वचनों के द्वारा हमारे ओर से, जैसे कोई मेरी एक्सपेक्टेशन है कि तुम ये करो, मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी आशा है, या मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से करो। माँ बाप की इच्छा है बच्चा ऐसे करे, बच्चों की इच्छा है माँ बाप ऐसे करे, पति की इच्छा है कि पत्नी ऐसी करे, पत्नी की इच्छा है पति ऐसा करे। क्या यहां से परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या कोई जवाब देगा? क्या लगता है आपको, क्या चाहता है? ओके, अब इसमें क्या एकदम बेस्ट पॉइंट, आपको जितना आप अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में, ये ऊपरी ऊपरी रेवलेशन हो गया। क्या लगता है आपको? अपने प्रथम प्रेम पर कायम रहे और किसी का भी किसी भी तरीके से नाश ना हो, और विश्वास में अंत तक बने रहो, और एक दूसरे को ये थोड़ा सा नजदीक वाला जवाब हो। यहां पर समझने वाली बात क्या है पता है, इसके चार वचनों का या इन चार वचनों में खुदा के दिल की बात क्या है पता है? आप समझो, दूसरे को समझाओ, आप स्थिर बनो, दूसरे को स्थिर बनाओ, आप चंगे हो जाओ, दूसरे को चंगे करो, आप बरकत पाओ, दूसरे को भी बरकत मिले, आप शांति पाओ, दूसरे को भी शांति। मेरी आज यहां पे सवाल है, आप जो यहां पर आ रहे हो, क्या आपकी इच्छा है कि भरत यीशु आएगा बादलों पर, यहां से ये सब स्लैब भी टूटकर बिल्डिंग के टेरेस से हम सब उठा लिए जाए, बाकी हमारे घर वालों का जो होना है होने दो, ऐसी इच्छा है? फिर सब अगर ऐसी इच्छा नहीं है तो ये 12 एपिसोड आज का चल रहा है, ये 12 के 11 एपिसोड तक, इतने एपिसोड सुनने के बाद आज खुदा की हुजूरी में सवालों का जवाब दो कि क्या आपने आपके रिश्ते नातों में जो लोग परमेश्वर का मार्ग झटपट छोड़ चुके हैं, जिनके मन कठोर हो चुके हैं, पाप के छल में वो कठोर बन गए हैं, अविश्वास में आ गए हैं, खुदा से दूर चले गए हैं, बुरे मन के बन गए हैं, क्या यहां से निकलने के बाद क्या आपने उनको गाइड किया, क्या आपने उनको समझाया, क्या आपने उनको काउंसलिंग किया, क्या आपने उनके लिए घुटनों पर आकर दुआ की? अगर ये नहीं हुआ है तो हमारा यहां पे सुनना व्यर्थ है। अगर हम अपने तरीके से या अपने मतलब से अगर चल रहे, भले आपके परिचय नाते कैसे भी हो, वो व्यभिचारी हो, वो कुकर्मी हो, वो लालची हो, वो कैसे भी हो, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप बचाए गए हो, अगर आप चौकस हुए हो तो उन्हें चौकस करना। ये चार वचन में परमेश्वर चाहता है कि अगर चौकस आपको किया गया है तो आप मतलबी विश्वास में ना रहे, तो जो सोए हुए हैं उन्हें जगाओ, फिर वो कोई भी रिश्ता नाता होगा, किसी भी तरीके का रिश्ता होगा, उस रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी आप पे है। 2021 साल पहले बचाने का काम पूरा हो गया है, लेकिन उस प्रोसेस को पूरा करने का काम हमारा है। अगर इतने प्रचार सुनने के बाद अगर हम चौकस नहीं हुए, लोग कहेंगे हाँ क्या केवल आकर आप यहाँ पर जैसे स्कूल में जहां पर प्रेजेंट दी जाती है 100% प्रेजेंट मैडम प्रेजेंट सर, ये प्रेजेंटी का जगह नहीं है, ये प्रेजेंटी का जगह नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का जगह है। यहाँ पे प्रेजेंटी के लिए नहीं आना चाहिए, ऑनलाइन में हो या फिजिकल हो, प्रेजेंटी के लिए नहीं बुलाया है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तन के लिए बुलाया है। हालेलुया, बदलाव के लिए बुलाया है। अगर बदलाव हम में नहीं है, अगर हमारा मन कहीं ना कहीं कठोर हुआ है, नहीं, हम जहां पे समय देना चाहिए वहां पे समय नहीं दे रहे,
अगर आपके रिश्ते नातों पर मैं डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ, अगर कोई पति अपने पत्नी पर हुकूमत करता है और उसी हुकूमत से उसको जबरदस्ती उसकी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश करता है अपनी मनमानी अपनी मर्जी पूरी करने के लिए, तो वो पति परमेश्वर में अगर चौकस है तो वो पति उसी तरीके से अपने पत्नी के बचाव के लिए उसे उसी तरीके से खुदा में लाने की कोशिश करे। अगर कोई पत्नी किसी पत्नी पे हुकूमत करती है और अपनी मनमानी करते हुए अपने हठीले स्वभाव से उसको पूरी तरह से अपनी इच्छा से चलाती है, तो वो पत्नी अगर फाइनेंस निकालने के लिए पैसा निकालने के लिए जोर जबरदस्ती करती होगी, शॉपिंग के लिए जोर जबरदस्ती करती होगी, तो क्यों नहीं वो पत्नी उस व्यक्ति को खुदा के वचन के अनुसार, काउंसलिंग के अनुसार, दुआओं के अनुसार, उपाय प्राप्त के अनुसार क्यों नहीं उसके जीवन के परिवर्तन के लिए हुकूमत करती है। मैं फिर से कहता हूं, ताना लगता होगा और अगर ये ताना समझ कर लोगे तो आपको बता दिया आपकी जमीन कठोर है, वो बीज केवल लेगी लेकिन प्रोडक्शन नहीं देगी। हमने कितने प्रभु भोज यहां पर लिए होंगे लेकिन प्रभु भोज का मकसद क्या है हम हर टाइम बताते हैं, जितने बार उस रोटी से खाते हो, जितने बार उस प्याले से पीते हो, उतने बार प्रभु का मृत्यु और उसके आने का सुसमाचार की घोषणा करते हो, सुसमाचार बताओ और सुसमाचार जियो। हमने सुसमाचार जिया क्या? हमने उस तरीके से हमारे आसपास में, हमारे रिश्ते नाते में, हमारे परिवार में क्या हमने उस तरीके से जीवन जिया क्या? क्या केवल हम हर टाइम बताता हूं सप्ताह का एक घंटे का मसीह? अगर वैसा है तो मैं केवल आगाह करने का काम कर रहा हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आज सुबह प्रार्थना में जो बातें मुझे अगुवाई की कि आज के प्रचार के पहले यह सवाल कर। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, कल फोन आया, पास्टर जी आपने कितने सारे एपिसोड यूट्यूब के ऊपर है, बहुत जबरदस्त मैसेज है। मैंने उनको पूछा, आपने ये जबरदस्त कहा, ये कहा, आपको उससे कुछ लाभ हुआ क्या? फोन कट हो गया। मुझे मेरी प्रशंसा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। वो वचन सुनने के बाद अगर वो कोई कहता है कि ये मुझसे बात किया, मेरे जीवन में यहाँ पर मैं गलत था, उस क्षेत्र को छोड़कर जो खुदा चाहता है उस क्षेत्र पर मैंने चलना शुरू किया है, उस व्यक्ति के लिए मैं 1000 ताली बजाऊंगा। मेरे लिए ताली नहीं बजी, नो प्रॉब्लम, ताली का हकदार यीशु मसीह है। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं प्रचार कर रहा हूं, अगर उसके द्वारा अगर आप चौकस नहीं होते हो तो आपके द्वारा कौन चौकस होगा? इस 4 वचनों में खुदावन का मकसद मैंने बताया है, आप स्थिर हो जाओ तो आपके द्वारा आपका पड़ोसी या आपका रिश्तेदार जो भी होगा वो स्थिर होगा। आप पवित्र बन जाओ, आप ईमानदार बन जाओ, आप आज्ञाधारक बन जाओ, आप समर्पित हो जाओ, आप अधीनता में आ जाओ, ताकि आपके द्वारा वो आज्ञा पालक बने, वो अधीनता में आ जाए, वो सुधर जाए। अगर मुझ में बदलाव नहीं है तो वो व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा। इसलिए कुछ पति कहते हैं, जब जाकर अगर तुझ में बदलाव नहीं है तो मैं आकर वहां क्या करूं? सुनना पड़ता है ये बात, अब ये रियलिटी बेस बता रहा हूं। अगर हम में बदलाव नहीं है तो हमारा संगति में आना व्यर्थ है। संगति में आना सार्थक हो या उससे कुछ फलवंत जीवन हो, उसके लिए जो यहाँ पर हमारे हृदय की जमीन में बोया जाता है उसके द्वारा हमारी जमीन वो बने जो फल लाए। यीशु मसीह ने जो 4 जमीन का जिक्र हम देखते हैं कि मरकुस के 4 अध्याय में किया गया है, कि एक जमीन सड़क के नाई है जहां पर बेस्ट वचन का बीज बोया गया, वहां पे पंछी आकर चूक कर लेकर गया। अब हमने उसके ऊपर बहुत लंबा अध्ययन किया है, उन मसीह को कहा जाता है, अगर वहां पे अगर चिड़िया चूस कर लेकर जाती तो वो मसीह चूजी क्रिश्चियंस, जो केवल चमत्कार को नमस्कार करते, परिस्थिति बदलने तक यीशु से चलते, एक बार परिस्थिति बदल गई फिर जैसे थे वैसे, चूजी क्रिश्चियन। दूसरी भूमि के बारे में वहां पे जिक्र किया है कि जो पथरीली जमीन पर गिरा और वहां पे बाइबल कहता है कि उसे अंदर जड़ ना होने के वजह से उस वो बड़ा भार, लेकिन सूरज की रोशनी ने उसको जला दिया, उसे कहा जाता है मूढ़ी क्रिश्चियन, मोड़ आला नहीं ऐसा मराठी दिले, मूढ़ी क्रिश्चियन, जो मूड के ऊपर दुआ करते, मूड के ऊपर आराधना करते, मूड आए तो बाइबल पढ़ते, मूड आए तो सुसमाचार बताते, ऐसे मूडी क्रिश्चियन से खुदावन कभी संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो दुनिया को तो बड़ी बड़ी बातें बताएंगे लेकिन अपने जीवन के चाल चलन से किसी को गिराने का भी काम करेंगे। तीसरी भूमि है जहां पे काटी की भूमि कहा गई, काटी की भूमि पर बोया गया, बाकी के बड़े पेड़ों ने उसको छोटा कर दिया, बढ़ने नहीं दिया। वो व्यक्ति है जो सालों से वही जगह पर है, नॉमिनल क्रिश्चियन। और चौथी भूमि दी है अच्छी भूमि, जहां पर 30 गुना
कहीं पे 60 गुना, कहीं पे 100 गुना। अच्छी भूमि में भी लॉस है। अगर 30 गुना आया है तो 70 गुना नुकसान है, अगर 60 गुना आया है तो 40% नुकसान है। मैं 30 गुना 60 गुना शुरुआत के समय में ठीक है, लेकिन इन दिनों में मैं इतना परिपक्व बनूं, इतना चौकस हो जाऊं कि मेरे जीवन में जब भी संडे को या ऑनलाइन में जो भी प्रचार मैं सुनता हूं या किताबों से पढ़ता हूं या बाइबल से पढ़ता हूं, जब खुदावन जो बीज मेरे हृदय में डालता है तो उस बीज का मैं 100 गुना प्रोडक्शन खुदावन दूं, इस तरीके से जीवन आपका और मेरा हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या है इस तरीके से मेरा जीवन? इन चार वचनों में खुदावन अपनी मर्जी को पूरा करना चाहता है। इन चार वचनों में खुदावन अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है। इन चार वचनों में खुदावन चाहता है कि जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारे द्वारा किसी को मिले। हम बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं, मुझे लाख मिला, करोड़ मिला, अरब मिला, लेकिन उसके द्वारा किसी को मिला? हम बड़े बड़े लोगों की चिन्ह चमत्कार की भविष्यवाणी की गवाही सुनते हैं, मुझे चंगाई मिली क्या, लेकिन तूने किसी के लिए दुआ की उसको मिली? क्या केवल चंगाई और बरकत का काम करने का पासवानों का नहीं है? आपको मिला इसलिए कि खुदावन आप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चंगाई के द्वारा, बरकत के द्वारा, आशीष के द्वारा। अगर हम मसीह के भागीदार हुए तो भागीदार अपने को मिला हुआ मुनाफा उसमें लगाकर और लाभ प्राप्त करता है। लेकिन इन दिनों में मतलबी मसीह जो केवल अपने ही फायदे की बात करते, कुछ मतलबी है, कुछ एक्टर है और कुछ केवल ऐसे ही है। मैं किस क्षेत्र में हूं? मैं चूजी हूं, मुड़ी हूं, या मैं पारंपरिक मसीह हूं जो उस कांटे की भूमि में बोया गया हूं, या मैं उस अच्छी भूमि का मसीह हूं कि जो फल देने की कोशिश करता हूं। आमीन, हालेलुया। ऐसे संदेश सुनने के बाद आपके चेहरे पे बाराही बजेंगे, लेकिन मसीह का संदेश अगर हम लोग सही रीति से पॉजिटिवली लेते ना, तो भले आज मेरे लिए डांट आई है, लेकिन यही डांट मेरे भविष्य के लिए लाभ की बात है। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है गुप्त प्रेम से खुली डांट बेहतर होती है। आमीन, हालेलुया। अब जब इन बातों के ऊपर हम गहराई से अध्ययन करते करते हम इसराइलियों के जीवन से देख रहे, किसके जीवन से? इसराइलियों के जीवन से। और वो घटना को फिर से मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मुझे हमारे कुछ पासवान मित्र कहते, पास्टर बहुत ज्यादा समय हो जाता है वचन में। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो लोग हैं उनको ग्राउंड पर लाने तक मुझे समय लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के मन कुछ दिल्ली में, कुछ गांव में, कुछ सिटी में यहाँ वहां घूमते रहते, उनके मन खुदा की ओर आने तक मुझे थोड़ा समय लेना पड़ता है। हर एक व्यक्ति को जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, नहीं तो प्रचार करने के लिए मैं प्रचार करके जैसे फॉर्मेलिटी है, आधा पौना घंटा प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दो, खत्म। मेरा उद्देश्य वो नहीं है। अगर इसी उद्देश्य से चलता था तो बहुत सारे लीडर्स खड़े होते थे, कैसे भी लोगों को लेके चलता था, जब चीज खड़े होते थे, लेकिन हमको कम काम करना है, लेकिन क्वालिटी का काम करना है। भले क्वांटिटी ना मिले, लेकिन क्वालिटी मिलनी चाहिए, वो दर्जा मिलना चाहिए। अगर दर्जे का काम नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है। आमीन। अब जब इसराइलियों के जीवन में अभी और एक सवाल आने वाला आपके सामने, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये निर्गमन का 32 अध्याय में उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। कहा बनाया? उस पर्वत के पायदान पर, उस पर्वत के पायदान पर जिस पर्वत को छूने की भी मनाई की थी, उस पर्वत के ऊपर मूसा खुदावन का दास यहोशू वहां पर खुदावन के साथ 40 दिन परमेश्वर बात कर रहा है। आप उसके चिन्ह क्या दिखते वहां पे, आप घर जाके पढ़ो क्या क्या चिन्ह दिखेंगे। आग का बड़ा भट्टा जल रहा है, जैसी भट्टी जलती है ना, यहाँ पे जिक्र किया है भट्टा, भट्टी नहीं कहा गया, भट्टा कहा गया, मतलब बहुत सारी भट्टियों को एक साथ करके जो आग का, जैसे आपने वोल्केनो देखा होगा, लावा रस अग्नि निकलता है जब जमीन से, उससे भी बड़े पैमाने पे भट्टा जल रहा है। तुरैया बज रही है, नरसिंगे बज रहे, बिजलियां कड़क रहे, बादल गरज रहे, इतना सारा खुदावन की हुजूरी का माहौल होने के बाद पायदान के पास लोग, हमने 5 बातें देखे, उन्होंने जो किया उसमें से पहली बात हमने देखी, वो खेलने लगे, मतलब खुदा की हुजूरी में होने के बावजूद भी व्यभिचार कर रहे थे। ऐसी एक नस्ल या ऐसी एक भीड़
बहुत सारी कलिसिया में आपको दिखेंगे जो वर्शिप करने वाले होंगे, आराधना करने वाले होंगे, प्रचार करने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे, लेकिन उसके बाद ऐसी कुछ झटका देने वाली खबर आपको मिलेगी सबूत के साथ कि वो व्यभिचार या पोर्नोग्राफी में भी होंगे। मैं रियलिटी बेस पे प्रचार करता हूं। कुछ लोग कहते हैं पास्टर बहुत डायरेक्ट बात होती है, अभी डायरेक्ट बात नहीं करूंगा तो वो बादलों पर आएगा तब बात करूंगा। अभी समय डायरेक्ट बात करने की, खेलने कूदने लगे मतलब व्यभिचार के लिए किधर समझ के लोग हुजूरी दिख रही है उसके सामने आज भी कुछ ऐसे है। दूसरी बात हमने देखी कि वो बिगड़ गए। तीसरी बात हमने देखी उन्होंने झटपट परमेश्वर का मार्ग छोड़ दिया। चौथी बात हमने देखी कि उन्होंने उस बछड़े को दंडवत किया। और पांचवी बात हमने देखी वो हठीले हो गए। क्यों हुआ ये? मूसा को आने के लिए विलंब हुआ, विलंब हुआ तो वो क्या हुए? अस्थिर हुए। और हमारा विषय क्या है? क्या हम हमारे प्रथम भरोसे पर स्थिर है क्या? ये लोग अस्थिर क्यों हुए? मूसा को आने के लिए विलंब हो रहा है। अगर मूसा को विलंब हो रहा है लेकिन मूसा का खुदा तो ऊपर पहाड़ पे है, उसने विलंब नहीं किया, उसने विलंब नहीं किया लाल समंदर को दो हिस्से में काटने के लिए, उसने विलंब नहीं किया आसमान से मन्ना देने के लिए, उसने विलंब नहीं किया चट्टान से पानी देने के लिए, उसने विलंब नहीं किया शत्रुओं को सर्वनाश करने के लिए। वो विलंब एक ही चीज में करता है, हमारा न्याय करने में। इसलिए यूनुस कहता है योना, उसके ऊपर एक गीत भी है, तू प्रभु दयालु है, तू प्रभु कृपालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निधान है। ये यूनुस ने लिखा हुआ गीत है, योना ने। हम तो केवल उसको सब म्यूजिक लगाकर उसको सुर ताल देकर गाते, लेकिन प्रॉपर राइटर योना है, योना। वो कहता है विलंब से क्रोध करने वाला है। अगर वो इमीडिएट क्रोध करे ना आज के दिन, हम में से कोई भी यहां पे नहीं बचेगा। ये उसका अनुग्रह है। विलंब से क्रोध इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में हमारा लॉयर, हमारा एडवोकेट, हमारा वकील यीशु मसीह बैठा है। इसलिए इस बात को हम मिसयूज भी ना करें कि वो है ना, प्रभु का अनुग्रह है ना, करेंगे कल परसों। लेकिन कल परसों कहते कहते अगर बीच में ही आवाज आएगा दूल्हा आ गया, तो जिनके दिए में तेल है, जिनके पास एक्स्ट्रा तेल है, उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये पांच बातें क्यों हुई? विलंब हुआ मूसा को आने के लिए, लेकिन इसमें और कुछ बातें हैं कि जिसके कारण ये अस्थिर हो गए। क्या लगता है और क्या बातें होंगी उसमें? मैं कहा ना आज मैं सवाल करूंगा, जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितना खुदा के कलाम के प्रति गंभीर हो, या केवल आपका बाइबल संडे के दिन मेरे सामने ही खुलता है, कितना आप उसके सामने बैठकर पढ़ते हो और स्टडी करते हो। क्या लगता है? चलो एक कारण तो विलंब हुए, दूसरा कारण क्या हो सकता है? इसराइलियों का मूसा पर, बोलो आज, गलत हो कुछ भी बोलो, अगर बोलते बोलते आपके द्वारा मुझे कोई नया रेवलेशन मिलेगा मैं किसी को दे सकूंगा। क्या भाई ने कहा? इसराइलियों का विश्वास केवल मूसा पे था। अब हाँ, उन्हें दिखने वाला खुदा चाहिए था। आगे आपको पता है कि जब ये इजराइल लोग निकले थे, ये लोग कितने लोग थे? हाँ, पता है कितने लोग निकले थे? चलो हम उसको काउंट करेंगे और वहां पे हमारे सवाल के जवाब है। निर्गमन का 12 अध्याय और वचन 37 और 38, एक्सोडस चैप्टर 12 एंड वर्स 37 एंड 38, निर्गमन 12 37 38। तब इजरायली हाँ कूद करके हाँ सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ के कोई हाँ 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। 6 लाख पैदल? अभी फिर वहां पे कोई गाड़ी घोड़ा बैलगाड़ी वाले भी होंगे कि नहीं होंगे? पैदल का इस्तेमाल क्यों किया है वहां पे?
6 लाख पैदल चलने वाले क्या है, जवान का है क्या पुरुष का है? मतलब एक परिपक्व व्यक्ति है। उस जमाने में तोहरा के अनुसार 4 बीवियां भी कर सकते थे। हर एक को एक बीवी पकड़ेंगे पुरुष को, पैदल चलने वालों की हर एक को एक बीवी पकड़ेंगे तो कितने हो गए? 6 और 6 12। उस जमाने में लिमिटेशन कुछ नहीं था पैदाइश का, कैलेंडर कितने भी हो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अभी सरकार कहता है हम दो हमारे दो, हर एक को 2 पकड़ेंगे तो कितने हो गए? 12 और 12 24 लाख पैदल चलने वालों की गणना है। ओके, गाड़ी घोड़े वालों को तो पकड़ा ही नहीं है। ओके, 24 लाख लोग चल रहे आगे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई। हाँ, और भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, बहुत से पशु भी साथ गए। मतलब यहाँ पे अभी और एक झुंड का या और एक ग्रुप का जिक्र किया है। क्या लिखा है वो? उनके साथ मिली जुली हुई भीड़ गई है। यहाँ पे संख्या क्यों नहीं आई? मतलब वो मिली जुली भीड़ इतनी बड़ी संख्या में थी कि खुदावन भी बोला मगने दो, कौन गिनेगा इसको। और इतनी भेड़ बकरी है उनको भी गिन नहीं पाया। नहीं तो भाई या इसको बता, अय्यूब के पास 1000 गधे थे, 2000 बैल थे, गिन कर देता एकदम अकाउंट करके ऑडिट करते हुए, लेकिन यहाँ पे गिन नहीं पा रहे। तो कितने लोग थे? कम से कम पैदल चलने वालों को पकड़ेंगे तो कम से कम 24 लाख, गाड़ी घोड़े वाले नहीं पकड़े। अभी ये वचन पढ़ने के बाद क्या आपको लिंक लग रही है कि इजराइल लोग अस्थिर होने का कारण क्या था? हा? हाँ, मराठी में पढ़ो जरा वो वचन 37:38। मग इसराइल लोग, हाँ, रामसेस येथून कूच करून सुक्कोत येथे गेले। हाँ, जे पुरुष पायी गेले मुले बाळखेरीज करून बीवी बच्चे छोड़कर सुमारे 6 लाख होते। 6 लाख थे। त्यांच्या बरोबर एक मोठा मिश्र समुदाय, उनके साथ एक बड़ा मिश्र समुदाय। अब ये कहेंगे ये मिश्र समुदाय कौन है? उसको समझने के लिए अगर इसके इसी अध्याय में जब परमेश्वर का दूत, मृत्यु का दूत महामारी को लेकर मिस्र में जब चल रहा था, तब इसराइलियों को एक चिन्ह दिया था कि एक मेमने को मार कर उसका लहू अपने घर के मस्तक को और उस दरवाजे के ऊपर लगाओ, जब भी वो लहू दिखेगा तो वो दूत आपके घर को लांघ कर जाएगा। वलांडनसन फसल का पर्व, वो लांघ कर जाएगा। कब? वो लहू देखेगा। अभी ये लोग इजराइल लोग जहां पर थे कितने सालों से थे? 430 साल तक थे। कितने? अभी 430 साल में क्या इजराइलियों के कुछ मिस्री दोस्त नहीं बने होंगे क्या? अब हमको तो दोस्ती करने को अच्छी लगती है, कुछ गद्दार निकलते कुछ ईमानदार निकलते। इतने सालों से कम 7 पीढ़ी वहां पर रहेगी, 7 पीढ़ी में किसी की दोस्ती यारी नहीं होगी मिस्री में, मिस्र लोगों में, इजिप्शियन में। ये वो लोग थे, उन्होंने मिस्री लोगों ने इजराइल लोगों में देखा कौन आया, हमारा मूसा आया है, क्या करने वाला है, हमको छुड़ाने को आया है। ऐसा कैसा? उन्होंने जो 10 पीढ़ियां वहां पे देखी मिस्री लोगों ने, उनको यकीन हुआ नहीं रे बाबा है कुछ तो दम इसमें। अब जब उन्होंने अपने दोस्तों को बताया होगा आज रात को वो दूत आने वाला है, अगर तुम हमारे घर में रहोगे, देखो दोस्ती के खातिर बता रहे, दोस्ती के खातिर हम लोग अच्छे अच्छे प्लान भी लेके आते है ना, तुम अगर हमारे घर में रहोगे तो बचोगे। तो कुछ लोगों ने ये विश्वास करते हुए हर एक उस 12 वर्ष के जो लोग रहेंगे इसराइल लोग उनके घरों में जाकर अपना सामान लेकर उस दिन वो लोग भी फसह के पर्व में वलांडन का जो त्योहार है वहां पर जाकर रुक गए। अब उन्होंने देखा सुबह आने के बाद मिस्र के अंदर एक बड़ा मातम मनाया गया। क्यों? बाइबल कहती है फिरौन के राज दरबार से लेके उसके प्रजा के गुलाम तक हर एक घर में का पहला बेटा मारा गया। केवल पहला बेटा ही नहीं तो हर एक जानवर का पहली संतान भी मारी गई। अब ये देखने के बाद उन्होंने सोचा नहीं रे बाबा यहाँ पे रुक के कुछ मजा नहीं, जिंदा रहना है तो इनके साथ। इसलिए कुछ लोग है ना साथ में क्यों चलते, नहीं अच्छा मैं मानते मानने वाले
आप चलने वालों में फर्क है। मानने वाले ना संडे को यीशु को मानते हैं, मंडे को किसी और को मानते हैं, ट्यूसडे को किसी और के पास जाते हैं, गुरुवार को किसी के पास जाते हैं। मानने वालों का कुछ सच नहीं है। और ये मिली जुली भीड़ जो गिनी नहीं गई, ये मिश्र समुदाय, इंग्लिश में क्या दिया है वर्ड, मिक्सर क्राउड, ऐसा लिखा है क्या, क्या दिया है पुलिस ने, हाँ मिक्स मल्टीट्यूड, क्या दिया है। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था परमेश्वर सबसे अधिक नफरत किससे करता है, सब परमेश्वर सबसे अधिक नफरत किससे करता है, मिक्सर लोगों से, 50-50, चर्च में स्वर्गदूत, घर में महाभूत, यहां पे प्रेज द लॉर्ड, भाव जय भीम। अभी पिछले हफ्ते में बहुत सारे लोगों के स्टेटस देख के मुझे हंसी आई और अच्छा भी लगा, बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिट पकड़ में आए। क्या था पिछले संडे को, हाँ जो खुदा को अपना सब कुछ देने वाले, तू मेरा मुक्तिदाता, जिन्होंने खुदावन ने बंधनों से छुटकारा दिया, ये अभी भी धागों के बंधन में पड़े हुए, ये मिक्स क्राउड के लोग, मिक्स नेचर के लोग, जो अपने मैकों को भूलते नहीं, जो अपने मिस्र को भूलते नहीं, फिर से याद दिलाकर मौके की तलाश में होते हैं, फिर से आप कहोगे आप ताना मारे। ये ताना लग रहा है तो कहीं ना कहीं हृदय कठोर है। फिर से अगर वही बात, इसराइलियों को बाइबल कहती है कि उन्हें मिस्र की याद आती थी, क्या याद आती, खरबूजे, खीरे, अदरक लहसुन, ये इसराइलियों को याद आता था क्या, उनके साथ जो मिश्र समुदाय, भले हमारे साथ कोई मिश्र समुदाय नहीं, लेकिन हमारे स्पिरिट में, हमारे थॉट्स में वो मिक्सर हुआ है। इसलिए मराठी म्हण है ना, कधी मासा कधी तोड़ा, असं काहीतरी ना, कधी इकडं कधी तिकडं, क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे फेथ में मिक्सर हुआ है। हमारे रॉबर्ट ब्रदर कहते हैं कि आप कितने वार करोगे, बच्चा ऐसा चलता है कि पूरा खिमा हो जाता है, बोले हृदय का होना भी चाहिए, अगर पत्थर टूटता नहीं है तो फिर ये प्रचार व्यर्थ है। अगर मैं आपको प्रचार करने के बाद अगर आपको कन्विक्शन एहसास नहीं होता है तो मैं केवल एक मनोरंजन करने वाला जोकर ठहरूंगा। मुझे मनोरंजन करने वाला नहीं बनना है, भले मुझे आप पूछे या ना पूछे, लेकिन मेरे द्वारा जो वचन खुदावन ने भेजा है उसके द्वारा अगर आपका जीवन बदलता है तो वो सम्मान मुझे अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ऊपर आएंगे तब यीशु मसीह सम्मानित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कारण है, होवे पर्वत के पास बछड़ा बनाने का कारण, मिश्र समुदाय। आज अपने आप को जांचो, मैं चल रहा हूं प्योर फेथ में चल रहा हूं या मिक्सर फेथ में चल रहा हूं, मैं शुद्ध विश्वास में चल रहा हूं या मिलावटी विश्वास में चल रहा हूं। मिलावटी विश्वास के लोग कैसे मानू, क्या इस दरवाजे से बाहर जाने के बाद है ना सब कुछ भूल जाते, किसी के बदलने की दुआओं में समय नहीं बिताते खुदा के साथ। कल किसी के साथ मैं बात कर रहा था, मसीह जीवन का एक फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन क्या है पता है, उसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर एक, जो सच्चा मसीह है वो अपने जीवन में खुदावन और उसके वचन को अधिक महत्व देता है। जो सच्चा मसीह है वो अपने जीवन में परमेश्वर के रिश्ते को अधिक मजबूत बनाता है, ये दूसरी स्टेप। एक सच्चा मसीह तीसरी स्टेप में अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी उठाता है। चौथी स्टेप, कलीसिया के साथ ईमानदार रहता है। पांचवी स्टेप, समाज में मसीह की इच्छा के अनुसार चलता है। ये पांच स्टेप है। कोई पूछ रहा था क्या है तुम्हारे मसीह क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन क्या है, मैंने कहा पहले खुदा, उसका कलाम, उसका रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कलीसिया का रिश्ता, फिर समाज का रिश्ता। इन रिश्तों में जो वचन के अनुसार चलता है, लाभ मिले या नुकसान मिले, लेकिन इन रिश्तों को निभाता है खुदावन, उससे बेहद इतना मोहब्बत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट डजंट मैटर आप कहां रहते हो, आपके हालात क्या है, अगर ये स्टेप आपके जीवन में राइट है तो निश्चय आप अच्छे हो गए। तो इन दिनों में एक वचन में और पढ़ाना चाहता हूं आपको, शायद वो वचन गलातियों की पत्री में है,
ये जो मिक्स विश्वास जब आता है ना, तो इस विश्वास में कुछ गड़बड़ियां आती है। तो गड़बड़ियां क्या होती है ना, उसके लिए आपको गलातियों का चौथा अध्याय वचन 8-11 तक। पहले तो पहले आज यहाँ पर बैठे हुए ऐसे लोग होंगे जो मीडिया से देखने वाले लोग होंगे कि जिन्होंने परमेश्वर यीशु को नहीं जाना होगा। उनके दास थे, आप गुलाम थे या दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं थे, केवल आग थी लेकिन देख नहीं सकते थे, मुंह था लेकिन बात नहीं कर सकते थे, ऐसे थे। पर अब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया कि हाँ, यीशु मसीह ये जीवित परमेश्वर, मार्ग सत्य जीवन देने वाला परमेश्वर है। वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना तो, हाँ यहाँ पे वरन परमेश्वर ने हमको पहचाना है, तो निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों को और क्यों फिरते हो जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है हाँ, वह व्यर्थ रहे। मैं भी डरता हूँ कि जो परिश्रम मैंने रात रात जागकर घुटनों पर आकर उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरी बढ़ाई के लिए नहीं, आपको मसीह में मुकम्मल या परिपक्व बनाने के लिए जो मैंने किए, लेकिन उसके बावजूद आप रक्षाबंधन फलाना बंधन में अगर जाते हो, गुलामी से छुटकारा पाने के बाद भी आप, कुछ लोग भले उसको सेलिब्रेट नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसी बातों की, यहाँ पे क्या दिया है, दिन महीने, कुछ लोग वो दिन है ना कैलेंडर में एक महीने पहले फिक्स कर दे, मेरे को जाना है। पति कहता है मायके मत जा, लेकिन मैं जाऊंगी, क्यों जाऊंगी, यह है ना हम लोग पक्के बिलीवर नहीं करते, लेकिन उसके कारण निमित्त हम अपने ससुराल को छोड़कर मायके में पहुंच जाते हैं। आप कहोगे फिर से ताना मार रहे, अगर ताना लग रहा है तो हृदय कटे थे, अगर गाइडेंस समझ कर आ रहा है तो हृदय का जमीन अच्छा है। आपको किसको खुश करना है, आपके जीवन में मसीह जीवन के फाउंडेशन में किस स्टेप पर आप हो, किसको आपके जीवन से संतुष्ट करना है, यह आपको समझना है। और इन बातों से अच्छे अच्छे मसीह जीवन में रगड़े झगड़े होते, कभी कभी काउंसलिंग में जाते हैं ना हम देखते हैं यही सिस्टर है ना, रबा रबा करती थी 2-2 घंटा, अब झगड़ा करके गई बंधन बांधने के लिए, उन्हें बंधन में बांधने के लिए वो लड़की ने या उस बहन ने नहीं जाना चाहिए, जो आपके रिश्ते नाते अन्य जाति में, जो इन सभी बातों के बंधनों में, जिनका न्याय नरक में होगा, उनको छुटकारा देने के लिए सुसमाचार की रोशनी लेकर जाओ। अगर आप ये बातों के सेलिब्रेशन में जाते हो तो इसका मतलब आप उस विश्वास में हो जो ये मिश्र समुदाय के लोग होरे पर्वत पे खुदावन की हुजूरी होने के बावजूद इजराइल लोगों को इस तरीके से भरमाया, इस तरीके से भटकाया, इस तरीके से गुमराह किया कि जो जिंदा परमेश्वर के बड़े मोजाजा देखने के बावजूद उसी पर्वत के पायदान पर एक बछड़े को बनाते हैं। क्या मैं उस कैटेगरी में हूं, क्या मैं उस फेथ में हूं, ये जांचना होगा। अगर प्रचार करोगे तो इसी बात को लेकर शाम को 5 बजे तक भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपके सामने फिर से सवाल छोड़कर जा रहा हूं। भले आपके मित्र संगति में मिश्र समुदाय होंगे, दोस्ती यारी को बेस्टी और बेस्टा आज बहुत चल रहा है, बेस्टी, आपकी बेस्टी को एक लिमिट है, आपके बेस्ट फ्रेंड को एक लिमिट है, आपके रिश्ते नातों की लिमिट है, उसको मर्यादा में रखो। अगर आप उसको नजदीक लाओगे ना तो ये मिश्र समुदाय की फैशन आपके जीवन में आएगी, ये मिश्र समुदाय के तौर तरीके आपके जीवन में आएंगे, और भले आप नहीं बनाओगे लेकिन बछड़े का स्वरूप फैशन में आ जाएगा,
बछड़े का स्वरूप आपके एटीट्यूड में आ जाएगा, बछड़े का स्वरूप आपके नेचर में आएगा। मराठीत मन है ना, धवड़ा शेजारी बांधला पवड्या वाण नाही तर ये लग सकता है। मैं रियलिटी बेस पे बात कर रहा हूं, अब ये कोई प्रचार के नोट्स नहीं है, जो परमेश्वर ने स्पिरिट में मुझे डाला है। आज ये सवाल कब लोगों को जवाब क्या आता है पूछ। अभी ऊपरी ऊपरी वो घोटे तक जो पानी है ना, जैसा आपको पता है कि पानी को देखकर जो पहली टाइम जब कोई समंदर के किनारे या नदी के किनारे जब छोटा बच्चा जाता है ना, तो टखने तक पानी देखकर वो छटपटाता है, वाओ 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 करता है ना। आज तक 20-20 साल के मसीहे उनके पवित्र आत्मा में या वचन का जो जीवन है टकने तक ही है, उतने पूर्ति वाव वाव चल रहा है और भाव जाके काव काव। क्यों? क्योंकि हमने समझा नहीं, परखा नहीं, हम खुद चौकस नहीं हुए, हम खुद बदले नहीं। अगर हम बदले तो हमारे पति या हमारी पत्नी बदले। बहुत लंबा चलने वाला प्रचार है ये, मैं जितना रोकने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ। और आप कहेंगे बाइबल तो कहते हैं बच्चों को कि आत्मा उनकी कंट्रोल में होती है, लेकिन मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। जो 5 घटनाएं इसराइलों के जीवन में खुदा की हुजूरी जहां पर थी वहां पर घटी। वो खेलने कूदने लगे, व्यभिचार और व्यभिचार की बातों में पड़े। आज भी एक ऐसा समूह है जिनको नशा है व्यभिचार की, जिनको नशा हुई है, कई कोने में जाकर अकेले में जाके पॉर्न वीडियोस, पॉर्न साइट्स पे जाते। ये वे लोग हैं जो मसीह को जानने के बावजूद भी गंदगी में जीवन बिता रहे, बिगड़े हुए, झटपट परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिए, बछड़े को नंदवत करते आज संसार की बातों को। सेठ गीत भी चल रहे बहुत समय में, ओ सेठ, छोटे बच्चों को भी सेठ कह दे। 5वीं बात, कठोर हो गए, हटीले हो गए। क्यों? मूसा का विलंब ये भी एक कारण है और उसका कारण मिश्र समुदाय। यही मिश्र समुदाय था ये बार बार उन्हें परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने के लिए, रिबेल करने के लिए मजबूर करता था। भले हमारे आसपास मिश्र समुदाय के लोग होंगे, लेकिन हमको उनको किधर तक हमारे घर में एंट्री देनी है, किधर तक हमारे नजदीक लाना है, ये हमारे हाथ में है। नहीं तो तुम हमारी ईद को आओ, हम तुम्हारे क्रिसमस को आते। बताओ खुलेआम, मेरे खुदावन को ये बात चमती नहीं, चलता नहीं। डायरेक्टली बात करो, भले वो ना खुश होगा, लेकिन तुम्हारा प्यारा दोस्त स्वर्ग में खुश होगा और पिता को कहेगा देख इसने बलिदान व्यर्थ नहीं किया। पौलुस कहता है मुझे डर लगता है कि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए श्रम किया वो व्यर्थ ना हो जाए। इतना बड़ा सेवक को भी डर लगता है तो हम किस खेत की बुरी। डर लग रहा है उसको क्योंकि उसके आसपास के गलतियों की कलीसिया में कुछ लोग होंगे जो रक्षाबंधन को जाते रहेंगे संडे चर्च की बात। इसलिए कहता है डर लगता है। क्या मैं मेरे अगवे को, मेरे पासवान को डर देने के जैसे जीवन जी रहा हूं या उसे फक्र महसूस हो ऐसा जीवन जी रहा हूं। मुझे ऐसे कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं उनको देखकर मुझे सच में फक्र महसूस होता है। या हुआ निम्बाड़कर की जैसी व्यक्ति, नजमा शेख मम्मी के जैसी, ये लोग है जिसको 11 बजे चर्च को इधर आना है, तो आज अमित ब्रदर ने कहा कि हुआ 9:30 बजे नंदादीप होटल पे पहुंच गए। ये है मसीह का प्रेम। हमारा प्रेम ठंडा पड़ा हुआ है, हमारा प्रेम सूख गया है, हमारा प्रेम कमजोर हुआ है क्योंकि हालात ने हमें अस्थिर किया है। और हालात ने हमें अस्थिर क्यों किया है? क्योंकि हम मिश्र समुदाय और मिश्र विश्वास में आज चल रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें प्रभु की करनी है और चिंताओं में भी समय बिताना है। ताना लग रहा है तो ताने को लेकर खुदावन का गाना भी गा लो। आमीन, हालेलुया। खुदावन और आपका अगुआ, आपका व्यक्ति आपको देखकर फक्र महसूस करे, ऐसा जीवन जीना शुरू करो। ये 12वें अध्याय में ऐसा क्यों आया मैं सोच रहा हूं, 12वें एपिसोड में ऐसा क्यों खुदावन चाहता है। और 12 हमारे फ्लैग नंबर भी 12 है। 12 ये संख्या शिष्यत्व को दर्शाती है। आपको विश्वासी बनकर जीना है या चेला बनकर जीना है आपके ऊपर है। खुदावन हमें बिलीवर से डिसाइपल बनाना चाहता है, लेकिन हम विश्वासी बनना चाहते हैं। हम विश्वासी डिसाइपल में
डिसिप्लिन होता है, चेले में तमीज होती है और शिष्य में शिस्त होती है। क्या मुझे उस तरीके से चलना है या नहीं चलना है? खुदावर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता, वो चाहता है मेरे लोग मेरी इच्छा से चले। जो भी अच्छी नहीं हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो, मुझ में जो भी अच्छी नहीं हर वो चीज मिटा दो, तुमको जो पसंद हो उन बातों से मुझे भर दो। आओ